हेलो एवरीवन, नमस्ते। वेलकम टू फ्लेवर्ड विद लव बाय प्रियंका। आज संडे है तो आज मेरा मन किया कि आज कुछ अच्छी सी मील अपनी फैमिली के लिए बनाती हूँ। मैं ढाबा स्टाइल खाना बनाने वाली हूँ आज। तंदूरी रोटी, डबल तड़के वाली दाल तड़का बहुत अच्छी सी, और कुरकुरी भिंडी बनाएंगे एयर फ्राई करके, तो ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालेंगे, लेकिन टेस्टी खाना बनाएंगे। साथ में कच्चे आम लाई हुई हूँ तो सोच रही थी उनका पन्ना भी बना देती हूँ, और सीजन वाली अम्बी पुदीने की चटनी भी। तो ये सब तो मैं आज कुक करने वाली हूँ। साथ ही आपको थोड़ा बहुत मैंने पिछली वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपको प्लांटर्स दिखाऊंगी जो मैं वॉलमार्ट से लेके आई हूँ, बहुत अच्छे बोहो डेकोर काइंड के, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। प्लांटर्स भी बहुत सुंदर है एक्चुअली, तो मैंने सोचा इट्स वर्थ शोइंग यू। और फिर आप भी अगर यहाँ पर हो तो वॉलमार्ट से जाकर जरूर लेना, क्योंकि ये कलेक्शन कुछ ज्यादा ही मॉडर्न डेकोर के हिसाब से बहुत सुंदर है। बोहो डेकोर के हिसाब से कुछ तो आपको यहाँ दिख ही रहे हैं, ये बहुत ही सुंदर प्लांटर्स हैं। तो फाइनली मैंने अपनी किचन की विंडो सिल के लिए कुछ प्लांटर्स अब लेने शुरू कर दिए, जिनमें से दो तो ये हैं। इनको बहुत अच्छा ये ज्योमेट्रिकल रिजेस बने हुए हैं, काफी सुंदर लगे मुझे। तो चलिए सबसे पहले दाल से ही शुरू करते हैं। दोस्तों, मैं ना ढाबा स्टाइल वाली जब येलो दाल बनाती हूँ तो उसके लिए तीन दालों का कॉम्बिनेशन यूज़ करती हूँ, और बहुत ही टेस्टी बनता है ये वाला कॉम्बिनेशन। तो बेस तो होता है अरहर की दाल का, सांभर वाली दाल जो होती है। तो मैं 3/4 एक कप का अरहर की दाल ले रही हूँ, और 1/4 कप उसमें चने की दाल मिक्स करूँगी। चने की दाल से ना बाद में स्ट्रक्चर मिल जाता है, जब अरहर की दाल गलने के बाद पूरी मैश हो जाती है तो चने की दाल बाद में उसको एक स्ट्रक्चर और एक बाइट देती है जो बहुत टेस्टी लगता है। तो 3/4 है अरहर की दाल, 1/4 है चने की दाल, और आधा कप है मसूर, लाल मसूर की दाल। लाल मसूर में एक अपना ही टेस्ट होता है जिससे दाल बहुत ही स्वाद लगती है, और ये तीनों दालें मिलकर ना दाल को बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर दोनों देती हैं। तो मैं हमेशा जब भी ढाबा स्टाइल वाली दाल तड़का बनाती हूँ तो यही डालती हूँ। दाल को 2 से 3 बार अच्छे से वॉश करके 3 to 4 टाइम्स पानी के साथ मैंने बॉयल होने रखा है। बॉयल होने के लिए सिर्फ घी और नमक मैं यूज़ कर रही हूँ। जब भी आप कोई भी ग्रेन्स, दाल, मिलेट्स पकाएं ना, ज़रूर उसमें उबलते हुए एक अच्छा फैट डालें, चाहे कुछ बूंदे ही, बट मैं घी डालना प्रेफर करती हूँ। इससे ना इनका डाइजेशन अच्छा हो जाता है, और इनके जो फ़ायदे हैं वो हमारी बॉडी को ज़्यादा बेटर अवेलेबल हो पाते हैं। इसको 1 सीटी और 5-7 मिनट सिम तक के लिए पकाएंगे। और साथ ही ना ये कच्चे आम भी मैं उबलने रख रही हूँ। आम का पन्ना बनाने के लिए ना दोस्तों, आम को बैंगन की तरह भूनकर भी यूज़ कर सकते हैं, वो एकदम ऑथेंटिक पिंड वाली रेसिपी होती है। और ये क्विक फॉर्म में जब बनाना हो तो इसे इस तरह से प्रेशर कुक भी कर लेते हैं, जैसे आलू उबालते हैं ना उसी तरह से आम को भी मैंने उबलने रख दिया है। अब मैं दाल का तड़का लगा रही हूँ। आप में से बहुत लोग मुझसे पूछते हो कि मैं कौन से ऑयल्स यूज़ करती हूँ। जब से यूएस आई हूँ मैं एवोकाडो ऑयल और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल ही ले रही हूँ। एवोकाडो ऑयल है कॉस्टको से ओतावीया ब्रांड का, और एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है कर्कलैंड ब्रांड का। अच्छा, मैं दाल का तड़का लगाने के लिए ना जीरे के साथ साथ जिंजर गार्लिक को चॉप करके उसमें भुना है, और फिर 1.5 प्याज इसमें डाल के भून रही हूँ। एक अच्छे पंजाबी तड़के की पहचान दोस्तों वही होती है जिसमें भुनाई हर चीज़ की अच्छे से की जाए। तो देखिए, पहले तो मैंने गार्लिक को इस लेवल तक ब्राउन होने तक भुना है, उसके बाद इसी तरह से प्याज को भी बहुत अच्छे से भुनना है मीडियम टू लो सेक पर। थोड़ा इसमें टाइम ज़रूर लगता है, लेकिन उससे चीज़ों का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। मीडियम टू लो फ्लेम पर प्याज को इस तरह से हिला हिला कर हम कई देर तक पकाते रहेंगे, जब तक वो नेचुरली एकदम लाल भुना हुआ ब्राउन ना हो जाए। आज हम चटनी में भी और आम के पन्ने में भी बहुत सारा पुदीना यूज़ करने वाले हैं। तो ये मेरे पास इतने सारे स्टेम्स फ्री हुए हैं, और आप तो मुझे जानते ही हो, मैं इन स्टेम्स को पानी में डाल दूंगी। ये जो पिछली बार मैंने आपके सामने स्टेम्स पानी में डाले थे ना, देखिए इसमें से कुछ में लीव्स आने लग गए हैं और कुछ में रूट्स भी आ गए हैं। जिनमें इतने रूट्स आ जाए ना उन्हें फिर मिट्टी में डाल देना चाहिए, तो इनका टाइम आ गया है मिट्टी में डालने का। अब इसे मैं जल्दी मिट्टी में प्लांट भी कर दूंगी, और फिर पुदीना बहुत अच्छे से उग जाता है।
जाता है इस सीज़न में। तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना तब पुदीना नहीं उगता है, बट ये मौसम एक अच्छा होता है धनिया पुदीना पालक सभी को उगाने के लिए। और इसी तरह से बीच बीच में चलाते हुए प्याज को हिलाते रहना है, बीच बीच में भूनता रहेगा प्याज, और अच्छा लाल जब एकदम भून जाएगा ना तभी हम इसमें ये दो टमाटर की प्योरी में डाल रही हूँ। अगर टमाटर बहुत बड़ा है तो 1.5 डाल सकते हैं। बेसिक मसाले डाल रही हूँ, नमक मिर्च हल्दी धनिया पाउडर, और साथ में एक अच्छे तड़के के लिए ना, ये मेरी मम्मी की ट्रिक है, फ्रेश धनिया हम बाद में तो अपनी डिश में डालते ही डालते हैं, तड़का लगते हुए इस मोमेंट पे भी हमें फ्रेश धनिया डाल देना चाहिए, इससे फ्लेवर डबल हो जाता है। आप एक बार ट्राई करके देखना, बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। और जो धनिए की पतली वाली जो स्टेम्स होती है ना वो भी इसमें काट के डाल देना, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। चलिए अब बनाते हैं चटनी। तो यहाँ पे मैंने आधा कच्चा आम चॉप करके रख लिया है, उसे मैं ले रही हूँ। आधा मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ अनियन लिया है, 4 से 5 हैं गार्लिक क्लोव्स, और एक इंच का टुकड़ा है अदरक का। कभी कभी मेरी मम्मी इस पुदीने वाली चटनी में प्याज नहीं डालती थी, लेकिन आज मैं डाल ही रही हूँ। और 1 कप धनिया का पत्ता है और 1/2 कप है पुदीने के पत्ते, इनको मैंने धोकर रख लिया था। और ना धनिए के साथ साथ थोड़े थोड़े पतले वाले स्टेम्स भी हैं, उनका स्वाद अपना ही होता है चटनी में। थोड़ा सा पानी डाल रही हूँ, बस इसको ब्लेंड करने में हेल्प हो जाए इसलिए, और इसको ब्लेंड कर रही हूँ। अच्छा अभी आपको पता चल रहा है ना, तो बताओ मैं चटनी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डालनी भूल गई हूँ जो मुझे बाद में याद आई, लेकिन इफ़ यू कैन गेस इट राइट नाउ डू राइट इट इन द कमेंट्स। एनीवेज इसको थोड़ा सा पीसने के बाद, क्योंकि अम्बी की चटनी है इसलिए इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्लेवर बैलेंस करने के लिए शुगर, काला नमक, भुना हुआ जीरा, और इसके बाद एक बार फिर से ब्लेंड कर लिया। और अब मैंने जब इसे चखा तो मज़ा ही नहीं आया, क्योंकि मैं इसमें हरी मिर्च डालना भूल गई थी। तो फिर मैंने सोचा अब ब्लेंड करूँगी तो अच्छे से ब्लेंड नहीं हो पाएगी, तो मैंने इसे कूट के डाल दिया और फिर से एक बार चला लिया। एंड देन फाइनली जब मैंने इसे टेस्ट किया तो सच्ची का मज़ा आया। अम्बी की चटनी की बात ही और होती है, और सीज़न में जब तक ये अम्बी वाली चटनी ना बनाओ ना तब तक मज़ा नहीं आता। एनीवेज इतनी देर में स्लो फ्लेम पे हमारा तड़का भी बहुत अच्छे से भून गया है। मेरी मम्मी हमेशा कहती हैं कि भूनने और जलने में बहुत मामूली सा फ़र्क होता है, तो इसको ना बहुत अच्छे से भूनना है, लेकिन विजिलेंट रहना है कि जल ना जाए। तड़का जब तक अच्छे से भुना नहीं होता ना दाल में वो स्वाद नहीं आता एकदम। तो तड़का भुनने के बाद ये गैस की स्टीम भी निकल गई थी प्रेशर कुकर की, अब मैंने इसे मिक्स कर दिया है और ज़रूरत के हिसाब से इसमें पानी डाल रही हूँ। दाल की कंसिस्टेंसी तो आप अपने हिसाब से रख सकते हो, मैं थोड़ा सा इतना पानी डालकर और उसके बाद इसको 1 विसल के लिए फिर से पकने के लिए प्रेशर कुक करूँगी। तड़के के बाद ना चाहे आप 1-2 ही विसल लगाओ, लेकिन अगर लगा लो तो बहुत अच्छे से तड़का दाल में मिक्स हो जाता है और ज़्यादा फ्लेवरफुल हो जाती है दाल। चलिए दाल को तो हमने रख दिया है, अब मैंने यहाँ पर 2 कप आटा लिया है, उसमें 1 टीस्पून शुगर नमक और 1/2 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 4 टेबलस्पून दही डालकर मैं बना रही हूँ तंदूरी रोटी का आटा। बहुत सॉफ्ट रोटी बनी थी, ये आटे का जो रेशो है ये आप रख लेना याद। इस तरह से आटे को ना सॉफ्ट डो बना के तैयार करना है, पहले दही को मिक्स कर लेंगे उसके बाद धीरे धीरे करके पानी डालेंगे। अच्छा साथ में ना 2 टीस्पून जितना ऑलिव ऑयल भी मैं आटे में गूंथते हुए ही डाल रही हूँ, और इसको मिक्स करने के बाद ज़रूरत के हिसाब से धीरे धीरे पानी डालना शुरू करेंगे, जितनी ज़रूरत पड़े उतना पानी डालकर एक सॉफ्ट सा डो बनाकर तैयार कर लेंगे। और अब फिर इस डो को थोड़ी देर के लिए रेस्ट देना है। देखिए डो की निशानी यही है कि जब आप उसमें फिंगर ऐसे पोक करो ना तो वो ऊपर बाउंस होना चाहिए। इस डो को ढक के रख दिया है। चलिए अब ढाबा स्टाइल वाले खाने का एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट बनाते हैं, सिरके वाले प्याज। तो मेरे पास ये बड़े बड़े अनियन थे तो मैंने उसको 1/8 पोर्शंस में काट लिया है इस तरह से। मेरे पास छोटे वाले अनियन नहीं थे तो मैंने बड़े वाले रेड अनियंस को ही 8-8 हिस्सों में काट लिया है। साथ में डाल रही हूँ थोड़ा सा बीटरूट, थोड़े से 3-4 स्लाइसेस हैं बीटरूट के, 2-3 हरी मिर्चें भी मैंने सोचा साथ ही डाल लेते हैं, सिरके वाली मिर्चें भी खाएंगे। और फिर डाल रही हूँ 1 कप पानी और 1 कप विनेगर, वाइट वाला विनेगर। इसमें ना इक्वल रेशियो आप डालो तो बहुत खट्टे भी प्याज नहीं बनते और टेस्टी भी लगते हैं। आप चाहो तो इसमें सॉल्ट डाल सकते हो, हमें आदत नहीं है इसमें सॉल्ट डालने की, हम ऐसे ही प्रेफर करते हैं।
सॉल्ट और कुछ लोग थोड़ी सी शुगर भी डालते हैं अच्छे कलर के लिए, बट कलर वगैरह तो ऐसे ही आ जाता है और हमें प्याज का टेस्ट ऐसे ही अच्छा लगता है, इसलिए हम सॉल्ट वगैरह कुछ नहीं डालते। और अब बस इसको मैं थोड़ी देर के लिए फ्रिज में ठंडा होने रख दूंगी और उसके बाद रेडी हो जाएगा ये। एक वीक तक इसे कुछ नहीं होता, फ्रिज में इजीली स्टोर किया जा सकता है। साथ में मैंने सोचा चलिए फटाफट से मैं बूंदी का रायता भी बना लेती हूँ। और उसके लिए तो बस कुछ नहीं, दही में थोड़ा काला नमक, काली मिर्च, भुना हुआ जीरा और फ्रेश कोरिएंडर लीव्स डालकर, साथ में थोड़ी सी बूंदी डालकर मैंने रायता तैयार किया है दही को मथकर। अब मैं दाल के दूसरे तड़के के लिए गार्लिक को रफली चॉप कर रही हूँ, स्लाइस कर रही हूँ बेसिकली। जब दाल में हम डबल वाला दूसरा तड़का देंगे ना, तो ये थोड़ा बड़ा बड़ा गार्लिक रखेंगे, और जो पहली बार वाला गार्लिक था उसे हमने अच्छा भुना था, इसे हम थोड़ा कच्चा रखेंगे। इसे चॉप करके रख दिया है। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कुरकुरी भिंडी की तरफ। दोस्तों कुरकुरी भिंडी ना एक ऐसी साइड डिश है जो बहुत जल्दी बन जाती है और किसी भी थाली को किसी भी टाइम के खाने को बहुत एलिवेट कर देती है, बहुत टेस्टी लगती है। तो भिंडी को ना मैंने इस तरह से चार हिस्सों में काटा है। अगर बहुत कच्ची कच्ची ताज़ी ताज़ी भिंडी मिल जाए तो उसकी तो बात ही और है, पर मेरे पास आज जो भी भिंडी थी ना मैंने वही यूज़ कर ली। वैसे US में कुछ भी कहो उतनी अच्छी भिंडी तो नहीं मिल आती है। एनीवेज भिंडी के पतले पतले स्ट्रिप्स काटे हैं चार चार हिस्से में, और बेसिक मसाले डाले हैं नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और साथ में 2 टीस्पून अनारदाने का पाउडर। इसकी जगह आप अमचूर भी डेफिनेटली यूज कर सकते हो, बस थोड़ी सी खटाई डालनी है बेसिकली। फिर 2 टेबलस्पून जितना बेसन इसमें डाल रहे, साथ में 1 से 1.5 टेबलस्पून इसमें मैंने ऑयल भी डाला है ताकि ये सारे मसाले भिंडी में अच्छे से कोट हो जाएं। और भिंडी को क्रिस्पी बनाने के लिए ना इसमें 1 टेबलस्पून राइस फ्लावर भी डालेंगे। और उसके बाद जस्ट राइट बिफोर इसको मैं आज एयर फ्राई कर रही हूँ, या फिर आप फ्राई भी कर सकते हो, बट वाई फ्राई व्हेन यू कैन एयर फ्राई, राइट? तो जस्ट बिफोर एयर फ्राइंग इसमें हम डालेंगे आधे नींबू का रस, और उससे फ्लेवर भी दुगना हो जाएगा और साथ ही मसाला इसमें साथ में चिपका भी रहेगा और भी टेस्टी आपकी भिंडी बनेगी। और बस अब इसको एक बार क्विक मिक्स करके एयर फ्राई किया है मैंने 400 डिग्री फ़ारेनहाइट पर कुछ 7 मिनट के लिए मैंने पहले किया था, लेकिन बाद में मैंने चेक डिट, इट वाज इन नीड ऑफ मोर क्रिस्पीनेस, तो मैंने 5 मिनट और किया, तो टोटल 12 से 13 मिनट में मेरी अच्छी कुरकुरी भिंडी बनकर तैयार हो गई थी। बहुत ही डिलीशियस बनी थी ये, आप कभी भी क्विकली विप अप करके रख सकते हो, कोई गेस्ट आ रहे हो जल्दी से। भिंडी वैसे भी बहुत वर्सेटाइल होती है, आई डोंट नीड टू रेव अबाउट इट, यू नो इट ऑल। तो भिंडी तो किसी भी तरह से बना लो टेस्टी लगती है, आई थिंक सबको ही लगती है। चलिए अब हम बनाते हैं अपना आम का पन्ना। तो देखिए दोस्तों आम ना उबलने के बाद बिल्कुल आलू की तरह से इस तरह से छिल रहे हैं। अब इसका पल्प अलग से निकाल लेना है, पूरा का पूरा छिलके से भी इस तरह से स्कूप आउट कर लेंगे, और अंदर से बीज आप चाहो तो बॉयल होते हुए बीज उसमें रख सकते हो, लेकिन आई मीन इट्स अप टू यू। मैं कभी कभी रख लेती हूँ और बाद में जब पन्ने वाला बीज होता है ना मुझे बहुत टेस्टी लगता है। तो ये जो आम का पल्प है इसको मैं 1/2 कप पुदीने के फ्रेश पत्तों के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, और उसके बाद इसे एक बड़े से पैन में निकाल रही हूँ। और अब इस स्टेज पे आप चाहो तो ना इसे चीनी की चाशनी के साथ पकाकर एज अ कॉन्सेंट्रेट बना के फ्रिज में स्टोर कर सकते हो महीने तक, या फिर मैं ना एकदम रेडी टू ड्रिंक रखना चाहती हूँ इसलिए मैं अब इसमें मिला रही हूँ 1 लीटर पानी और फिर इसे पकाऊंगी ज़रूरत के जितनी चीनी के साथ। मैंने यहाँ पर ना लगभग 1 कप इसमें चीनी डाली है, साथ में कुछ बेसिक स्पाइसेस, एंड देन द मैजिक बिगिंस। बहुत टेस्ट लगता है और समर्स में 1-2 बार तो आम पन्ना पी ही लेना चाहिए। आई नो बहुत ज़्यादा शुगर है, लेकिन हमारी जो ट्रेडिशनल रेसिपीज है ना उनको इस तरह से छोड़ना नहीं चाहिए और कभी कभी पी लेनी चाहिए, क्योंकि आम का फ़ायदा तो मौसम के हिसाब से मिलेगा ही।
एनीवेज मैंने इसमें लगभग 1 कप शुगर डाली है, थोड़े से ड्राइड मिंट भी डाल दिया फ्लेवर के लिए, जीरा डाला है भुना हुआ और काला नमक, और अब बस इसे बॉयल होने के लिए छोड़ देंगे एंड उसके बाद फ्रिज में हम ठंडा करके स्टोर कर लेंगे। कुरकुरी भिंडी को जैसा कि मैंने बताया 5 मिनट की और ज़रूरत थी, तो मैंने उसे 5 मिनट और फ्राई होने रख दिया है। अब मैं घी में लगा रही हूँ दाल का दूसरा तड़का, तो अगेन मैंने थोड़ा सा घी में जीरा भून लिया, उसके बाद जो गार्लिक चॉप करके रखा है, 3 से 4 गार्लिक है ये, फिर से स्लाइस करके रखा है इन्हें, और अब इस वाले गार्लिक को ना हम एकदम ज़्यादा नहीं भुनेंगे, बस जब तक इसकी एजेस गोल्डन हो जाएँ उतना ही भुनेंगे, और एजेस गोल्डन होते ही हम इसमें डालेंगे कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। और कश्मीरी लाल मिर्च को जब भी आप डालो ना दोस्तों, तो ज़्यादा नहीं पकाना वरना उसका कलर लाल से ब्राउन हो जाता है। और अब बस डालते ही इसको दाल में मिक्स कर देंगे। डिलीशियस ढाबा स्टाइल डबल तड़का दाल बनके तैयार है, बहुत यम्मी बनी थी। आई एम श्योर आपको देखने से ही लग रही होगी कितनी टेस्टी दाल बनी है। अब बनाते हैं हमारी तंदूरी रोटी स्टार ऑफ द शो। तो उसके लिए ना आज मैं अपना ये पतला वाला लोहे का तवा यूज़ कर रही हूँ, लॉज वाला बहुत भारी है और तवे को उल्टा करके बनाने में वो बहुत प्रॉब्लम होगी, इसलिए मैं ये हल्का वाला तवा यूज़ कर रही हूँ। तो रोटी को ना इसमें ड्राई फ्लावर डस्ट करने की बजाय जिस तरह से हम पूरी बेलते हैं ना उस तरह से घी लगा के बेल लिया है, और साथ में एक साइड पर बहुत सारा पानी लगा रही हूँ जेनरसली। अब तवा गर्म होगा ना और रोटी पे ये जब पानी लगा होगा तो ये तवे पे चिपक जाएगी और फिर स्टीम क्रिएट होगी और उससे तंदूरी बबल्स बनेंगे। देखिए इस तरह से अपने आप रोटी पे तंदूरी इफेक्ट आ जाएगा। और फिर लगभग 1 मिनट के बाद, लगभग 30-40 सेकंड के बाद, जब आपको लगे नीचे से काफ़ी बबल्स आने लग गए और पक गई होगी, तो आप तवे को इस तरह से उल्टा करके एकदम डायरेक्ट फ्लेम पे इस रोटी को चार करेंगे और पकाएंगे ताकि एकदम तंदूरी रोटी जैसी रोटी बन जाए, और काफ़ी अच्छे से इसमें तंदूरी इफेक्ट आ जाता है। बिल्कुल आपको खुद ही देख के लग रहा होगा, अगर आपने आज तक भी ये तवे वाली तंदूरी रोटी ट्राई नहीं किया ना दोस्तों, तो ज़रूर ट्राई करना, बहुत अच्छी रोटी बनती है। और ये रोटी का जो डो है इसकी रेसिपी भी आप रख लेना, कभी भी आपको चाहिए हो सेम रेशियो से बनाइए, बहुत सॉफ्ट और बहुत टेस्टी रोटियाँ बनती हैं, तंदूरी तंदूरी एकदम। ये देखिए व्हाट अ तंदूरी इफेक्ट, है ना, लग रही है ना बिल्कुल ढाबे वाली रोटी। तो बच्चों के लिए तो ना मैंने ऊपर धनिया नहीं लगाया था, लेकिन वरुण और मेरे लिए तो मैंने एकदम धनिया और कलौंजी लगा के भी बनाई थी रोटी, यू विल सी। इसी बीच में हमारी कुरकुरी भिंडी भी बनके तैयार है, और क्या गजब टेस्टी भिंडी बनी थी दोस्तों, ये ज़रूर एक बार आप ट्राई करना। देखिए क्रंच, कितनी अच्छी क्रंची भिंडी बनी है। इस समय ना मेरे बच्चे थोड़ी शोर मचा रहे थे, वरना आई शुड हैव रिटेन्ड द वॉइस, बैकग्राउंड वॉइस, लेकिन भिंडी काफ़ी अच्छी बनी है, टेस्टी है, देखने से भी लग रही है, क्रंची भी है। एनीवेज तो धनिया और कलौंजी लगाकर बनाने के लिए ना आधी रोटी को जब बेला ना तभी मैंने इसमें धनिया और कलौंजी लगा दिया, और उसके बाद इस तरह से बेलन से इसको फिक्स कर दिया बेलते हुए ही, ताकि ये बाद में जब हम रोटी को पलटें तो गिर ना जाए। और बाकी तो फिर सेम ही प्रोसेस से पूरी रोटी बनाई है, एक साइड पानी लगा के चिपका दिया तवे पे एंड देन पलट के पका लिया। जब इतनी टेस्टी बनी गई है तो चलिए प्लेट करते हैं अपनी ढाबा स्टाइल थाली।
दोस्तों लंच के साथ साथ ना इतना डिलीशियस सा पन्ना भी बनके तैयार है। ये अगले 1 से 1.5 हफ्ते चलेगा और मैं और वरुण थोड़ा थोड़ा ही करके पीने वाले हैं इसको, लेकिन इतना टेस्टी लगता है कि मुझे इस टाइम भी वॉइस ओवर करते हुए भी इसे देखकर मुंह में पानी आ रहा है। आपने अगर कभी आम का पन्ना ट्राई नहीं किया ना तो ज़रूर बनाना, मुझे इसको देखते ही बहुत नॉस्टैल्जिया होता है और बचपन की बहुत याद आती है। शाम की चाय बन रही है, चलिए इसी के साथ मैं आपको दिखाती हूँ वॉलमार्ट वाले प्लांटर्स जिनके बारे में बात कर रही थी। तो सबसे पहले तो मैंने सुबह विंडो सिल वाले आपको दिखाए ही, ये कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इनके रिजेस मुझे बहुत सुंदर लगे। और ये वाला ना पूरा एक्चुअली प्लांट का प्लांट ही वॉलमार्ट से लिया था, इसका भी ये वाइट है तो इसका भी डिज़ाइन बहुत अच्छा है। ये प्लांट के साथ ही प्लांटर आया था तो ये भी बहुत अच्छा है। देखो मुझे मदर्स डे पे मेरी छोटी बेटी ने ये प्लांट ला के दिया स्कूल से उगा के। नेक्स्ट इज दिस वेरी गुड लुकिंग प्लांटर, ये भी वाइट कलर का है और इसका डिज़ाइन थोड़ा सा डिफरेंट है, बहुत ही सुंदर लग रहा है ये प्लांटर भी। नेक्स्ट वन इज माय एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट फेवरेट, ये वाला, इसका तो बहुत ही सुंदर डिज़ाइन है। ये बोल स्टाइल का प्लांटर है, मैंने इसे अपने लिविंग रूम में सेंटर टेबल पे रखा है। पहले यहाँ मैंने कुछ और ट्रे डेकोर रखा था, अभी रिसेंटली ये बदल के रख दिया। इसका डिज़ाइन तो मुझे बहुत ही सुंदर लगा, लेकिन अभी मुझे ना इसकी साइज़ की प्लेट नहीं मिली है। मैं आपको एक हैक बताती हूँ, पता है मैं सारे के सारे मेरे पास जितने भी पौधे हैं ना उनके नीचे मैं ये डॉलर ट्री से प्लेट्स लेके आती हूँ, सिरेमिक की या ये कांच वाली, और ये यूज़ करती हूँ एज अ प्लांटर प्लेट, क्योंकि यहाँ पे ना प्लास्टिक वाली प्लेट्स मिलती हैं यूजुअली प्लांटर्स के नीचे के लिए, और वो बहुत शायद $2-2 की एक होती है, और वो बहुत ही ना ऐसे प्लास्टिक जैसे प्लास्टिक कप्स होते हैं ना डिस्पोजेबल उस टाइप की, तो वो तो यूजलेस लगती है मुझे। उसकी बजाय ये $1.25 ईच की मैं डॉलर ट्री से ले आती हूँ, छोटी भी बड़ी भी। मैंने अपने घर में सारे प्लांट्स के नीचे इसी तरह की प्लांट प्लेट्स रखी हुई हैं। खैर इस वाले प्लांटर के साइज के लिए ठीक नहीं है, वो मैं नेक्स्ट डॉलर ट्री ट्रिप पे लेके आऊंगी इसके लिए, ये इसके साथ थोड़ा जच नहीं रही है तो एक और लेके आऊंगी। बट नेवर द रेस्ट ये प्लांटर बहुत खूबसूरत है और इसका कलर बहुत ही अच्छा लगा मुझे। नेक्स्ट आर दीज बास्केट प्लांटर्स, ये भी वॉलमार्ट के ही हैं और यही वो रूम है जिसके लिए मैं आपसे बात कर रही थी कि ज़्यादा रोशनी नहीं आती यहाँ, तो मैंने यहाँ पीस लिली रखे हुए हैं। ये प्लांटर देखिए कितने सुंदर हैं, आई थिंक आई गॉट इट फॉर $15 ईच, लेग्स के साथ आया है, वी जस्ट हैड टू स्क्रू देम, और बहुत ही सुंदर है। आई गॉट 2 ऑफ देम फॉर ईच साइड ऑफ माई टीवी यूनिट, बहुत सुंदर लग रहे हैं ये। और इस तरह के बास्केट प्लांटर्स तो वॉलमार्ट में बहुत सारे आए हुए थे, इनकेस यू वॉन्ट टू चेक देम आउट, तो मैंने एक उधर रखा है और एक इधर। जो वाइट प्लांटर मैंने अपने किचन में रखा हुआ है ना उसका ये लास्ट ईयर भी था, तब मैं ये पिंक कलर ऐसे ही रैंडमली ले आई थी, तब तक मैंने डेकोर के बारे में ज़्यादा सोचा नहीं था रूम का, लेकिन ये वाला मैं ले आई थी तब, अब की बारी वाइट लेके आई हूँ। ये यहाँ से मैं हटाकर यहाँ पर ना कुछ मैचिंग रखने वाली हूँ, क्योंकि पूरे लिविंग रूम का मैंने बहुत अच्छा नेचुरल अर्दी थीम रखा हुआ है। आप में से कुछ लोगों ने मुझसे पूछा भी था कि मैं पूरा टूर दूं घर का, और मैं जल्दी ही बना लूँगी वो टूर वाला वीडियो और आपके साथ शेयर करूँगी। फिलहाल ये एक छोटा सा प्रीव्यू है लिविंग रूम का हमारे, ये एक उतर गया है यहाँ से, मैंने ये वाला जो डेकोर है ये हॉबी लॉबी से लाके किया था, आपके साथ शेयर भी किया था किसी वीडियो में, और ये बहुत ही क्लासी लग रहा है। बस इसका ना ये एक प्लेट गिर गया, हम इसको दोबारा लगाने वाले हैं, मैंने मंगाया है अमेज़न से फिर से गोरिल्ला ग्लू वाला टेप। और पूरे रूम का थीम मैंने बिल्कुल ऐसे अर्दी नेचुरल और ग्रीन रखा हुआ है, और यहाँ पर काफ़ी सारे प्लांट हैं, काफ़ी लाइवली लगता है ये रूम मुझे तो।
तो दोस्तों पन्ने को ना मैं इस तरह से ग्लास जग में स्टोर करके रख रही हूँ। आप किसी भी ग्लास बॉटल में स्टोर करके या स्टील जग में भी स्टोर करके रख सकते हो। जैसा कि मैंने बताया 7-8 दिन तक इसे कुछ नहीं होगा, आप इंजॉय कर सकते हो समर में इस डिलीशियस सी ट्रेडिशनल रेसिपी को। और ये लिविंग रूम ना मेरी बहुत फेवरेट जगह है, मुझे सुबह शाम यहाँ बैठना बहुत पसंद है, बाहर देखते रहना, और अक्सर यहीं पर मैं और वरुण अपनी चाय एंजॉय करते हैं। इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं तक रख रही हूँ, आपसे मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड हैव अ गुड डे। बाय।